हेलो दोस्तों, देसी मुर्गियों में बीमारी ना आए उसके लिए क्या उपाय किया जाए, क्या करना चाहिए ठंडों के सीज़न में इन पे कोई बीमारी ना आए, इसलिए इस टॉपिक पे वीडियो बनाया गया है। पसंद आए तो लाइक कीजिए और यदि चैनल में आप पहली बार हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो मिलती रहेगी और बेल आइकन दबाओगे तो नोटिफिकेशन आएगा आपके स्क्रीन में और आप सबसे पहले वीडियो देख सकोगे। जानकारी यही है कि देसी मुर्गी हो या जो मुर्गी घर के बाहर छोड़ के बाहर चराते हैं, उन्हें ऐसे बर्तनों में दाना दें। सांप दाना खाएगी, सांप अच्छा किस्म का दाना खाने से बीमारियां नहीं लगेगी। दूसरी बात, इन्हें साफ बर्तन में पीने का पानी दें और पानी को चेक कर लें कि उसमें कोई कंकड़ पत्थर मिट्टी रेत तो नहीं है, नहीं तो पानी बदल दीजिए। दूसरा ऐसा है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कर सकते हैं, चाहो तो पानी साफ करने का होता है, कीड़े मारने का होता है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इससे मुर्गियों में बीमारी भी नहीं होगी और प्रॉब्लम कोई भी नहीं होगा, नुकसान भी नहीं होगा। इसके लिए सबसे बेहतर उपाय यही है, सालों साल आप पाल सकते हैं और कोई भी तरह की मोर्टिलिटी भी नहीं होगी। इसी का मैं आज आपको बता रहा हूँ। सिंपल सा फंडा है, जितना अच्छे से रखोगे उतना फ़ायदा रहेगा, और नाली में चराओगे नाली का पानी पिएगी तो बीमारी भी आएगी। जैसे इसमें कुछ बच्चे, ये जैसे रेड बच्चा जाके अभी नाली का पानी पीने लगेगा, तो इससे बचाव रखें। नाली है तो नाली को सूखने दो, पानी भरने मत दो, तो इस टाइम में का बचाव करके रखो तो मुर्गियों में बीमारी नहीं आएगी। साफ पानी दो, है ना। बस यही है टॉपिक मेरा और बीमारियों से बचाव का सबसे अच्छा तरीका। पसंद आए तो लाइक करिए, और कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट कर सके आप बताएं मुझे, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।